राजा भी फ्रॉम न्यूज लाइव देखते हैं आज की ताजा खबर। भंडारा जिले के साकुली वन विभाग में अनियमितता और कर्मचारियों पर तानाशाही वजह से चर्चा में है, और वही दूसरी ओर सरकारी कामों में गैर व्यवहार और घोटाले उजागर होते ही जा रहे हैं। एमएनएस न्यूज ने विगत सप्ताह साकुली वन विभाग के किन्नी में गड्ढे खुदाई में बोगस मजदूर दिखाकर मजदूरों का आर्थिक शोषण करने की प्रकाशित करते ही खलबली मची थी। वहीं दूसरी ओर अब साकोली के तहत आने वाली पाथरी में मजदूरों का आर्थिक शोषण किए जाने की खबर मिली है। बताया गया है कि राज्य योजना विकरण के माध्यम से 20 हेक्टर जमीन पर पौधे लगाने हेतु 22,220 गड्ढे खुदाई के काम किया गया। सरकारी नियम के अनुसार 22 रुपए प्रति पैसे प्रति गड्ढे का रेट होने के बावजूद मजदूरों को केवल 18 रुपए गड्ढे के हिसाब से पैसे देकर मजदूरों का आर्थिक और शारीरिक शोषण किया गया है। बीट रक्षक गुंगे के मनमानी कारोबार का मजदूर परेशान है। मजदूरों की मुलाकात करने पर मजदूरों को अपनी आपत्ति एनएमएस न्यूज को बताई। एक तरफ किन्नी का मामला चल रहा है, वही वरिष्ठ अधिकारी के दलियल रवैये से पाथरी का भी मामला सामने आया है। साकोली की आरएफ आरती उके को उनके कार्य साकोली जाकर मिलने की कोशिश की तो वे नरारत थी। इसमें बोगस मजदूरों के नाम से करीबन 80,000 रुपए निकाले गए, पार्थी के नाम का 5,610 रुपए का पेमेंट। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लाजेवाल की खास खबर। भंडारा जिले का साकोली वन विभाग फिलहाल बड़ा चर्चा में है। घोटाले उनके निकलते आ रहे हैं। इसके पहले हमने किन्नी मौके का घोटाला सामने लाया था, वहाँ गड्ढे खोदने में बहुत बड़ी भारी मात्रा में गैर व्यवहार करके लाखों रुपए का गबन किया गया था। उसी तरह से साकोली से कुछ ही दूरी पर पाथरी ग्राम पंचायत है, पाथरी गाँव में भी राज्य वनीकरण की योजना के माध्यम से यह गड्ढे खुदाई की गई। 20 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ये काम किया गया है, करीबन 22,000 से भी ज़्यादा गड्ढे की खुदाई की गई, लेकिन यहाँ पर भी नियमों को अनदेखी की गई है। यहाँ पर गड्ढे खुदाई का सरकारी रेट जो है, वो सरकारी रेट के हिसाब से मजदूरों को पैसे नहीं दिए गए, केवल 18 रुपये गड्ढे के हिसाब से लोगों को पैसे दिए गए। मतलब यहाँ पर भी मजदूरों का आर्थिक शोषण किया गया है, और मजदूरों का आर्थिक शोषण करते हुए उनको कम पैसे दिया गया। भले बैंक के अकाउंट पर पैसा जमा किया गया, लेकिन केवल 18 रुपए के हिसाब से उनको पैसा दिया गया। खास बात यह है कि यहाँ पर काम करते समय रिकॉर्ड पर बोगस मजदूरों के नाम ज़्यादा मात्रा में लिखे गए हुए हैं। जिन्होंने काम नहीं किया ऐसे लोगों के भी नाम रिकॉर्ड पर लिखे गए और उनके नाम से भी पैसा निकाला गया। हमारे साथ में कुछ मजदूरों ने अभी जो बात की, उन्होंने बताया कि 18 रुपए के हिसाब से हमको पेमेंट मिला है, ताकि 22 रुपया 53 पैसा सरकारी रेट के अनुसार उनको पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल सका। केवल 18 रुपया प्रति गड्ढा उनको पैसा देकर मजदूरों का आर्थिक शोषण किया गया है। मैं निषाद लांजीवार, एमएनएस न्यूज, भंडारा। मतलब आपको जो 22 रुपया 53 पैसे जो रेट है सरकारी रेट, उसके हिसाब से नहीं मिले? नहीं मिले, 18 रुपए मिले। 18 रुपए ऊपर के पैसे? ऊपर पैसे अभी तो हमको पता भी नहीं साहब। अच्छा, कितना रुपया गड्ढा और कितना रुपया नहीं है। 18 रुपए बताए तो 18 ही रुपए दिए। कितने के मजदूर थे? मजदूर तो बहुत सारे थे। अभी अंदाजा? अंदाज से होंगे 100 के करीब थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? जयराम गोमा जी बोलते हैं। बोलते रहे जी, आप भी गए थे काम पर? हाँ गए थे। और कितने गड्ढे खोदे आपने? 60-70 खोदा हुआ आपने। और ये क्या हिसाब से पैसे मिले आपको? 18 रुपये के हिसाब से पहले। और कुछ ज़्यादा मतलब सरकारी रेट के हिसाब से मिले? नहीं मिले। 18 रुपये के हिसाब से तय तय किया था। किसने किया ये? चपरासी। चपरासी जो गार्ड जो है गुगे, इन्होंने किया गया? हाँ, इसने दिया। इनके से पेमेंट मिला? पेमेंट तो खाते में जमा हो गया जी। अच्छा, बैंक के खाते में जमा? बैंक के खाते में। 18 के हिसाब से क्या लगता है आपको कि जो 18 के हिसाब से आपको जो पेमेंट मिला सरकारी रेट के हिसाब से तो नहीं मिला? सरकारी हिसाब से मिलना चाहिए आपको। अच्छा, क्या मालूम जी, आता 18 रुपये बताया तो 18 रुपये मिल गया। अच्छा, मतलब जितना मेहनत किया उतना पैसे इतना मिल गया। सरकारी रेट के हिसाब से मिलता तो ज्यादा पैसे मिलता, ज्यादा तो मिलता है ना। तो कितना रेट है? मतलब एक गड्ढे के ऊपर 4 रुपये कम हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पैसे कम हो गए। बहुत कम हो गए ना, है ना। मतलब आपका आर्थिक शोषण किया गया है ना। मतलब पैसे ज्यादा है, सरकारी रेट ज्यादा, लेकिन कम पैसे बताया? कम पैसे बताया, कम पैसे बताकर आपके माध्यम से काम निकाल दिया उन्होंने, इसलिए अब आपका आर्थिक शोषण हो गया है ना। ये बात आपको पता थी कि कम? मतलब बताया नहीं हमको किसी को, पता ही नहीं।
एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।